Hey guys, I'm Vasudev और आप देख रहे हैं Mix with Vasudev। तो मुझे काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इस माइक का एक डिटेल रिव्यू बनाने की कि इस माइक का आउटपुट कैसा है, क्या आप इसको सिंगिंग के लिए यूज कर सकते हो, क्या इसके प्रोज और कॉन्स हैं। सो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं आप लोगों के साथ एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगा, बिकॉज ये माइक मेरे पास 2 से 3 महीनों से रखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम प्रो की बात करें तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस माइक्रोफोन का जो बिल्ट है दैट इज सुपर। प्रॉब्ली इस बजट में मैंने ऐसा बिल्ट और किसी भी माइक्रोफोन में नहीं देखा। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते है इसका कैप्सूल, इसके बटन्स की क्वालिटी, इसके पोर्ट्स, सब चीजों की बिल्ट बहुत ही सही है। अब अगर कॉन की बात करूं तो कॉन में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये XLR के साथ बेटर परफॉर्म करता है। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस USB मोड के साथ उतना अच्छा नहीं रहा जितना XLR मोड के साथ रहा है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे की क्या साइंस है, वो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। बिकॉज अगर मैं टेक्निकली आप लोगों के साथ बात करूं तो एक जो ऑडियो इंटरफेस होता है उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका प्रीएम्प और एक आपके कन्वर्टर्स। सो अगर किसी भी USB माइक के साथ आप एडिशनल ऑडियो इंटरफेस यूज करते हैं तो उस केस में जो कन्वर्टर और प्रीएम्प्स होते हैं वो साउंड कार्ड के यूज होते हैं रादर देन द माइक्रोफोन। दैट इज वन ऑफ द रीजंस आपको और बेटर क्वालिटी मिलती है। उसके बाद इसका एक और प्रो ये है कि इसके USB मोड में ये जो बटन्स हैं ये काफी सही रोल प्ले करते हैं। जैसे कि ये जो सेंटर बटन है ये म्यूट अनम्यूट करने के काम आता है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखें तो आप अपने हेडफोन का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं और दोबारा से लॉन्ग प्रेस करें तो अपने माइक का गेन भी ऑल्टर कर सकते हैं। उसके अलावा मैं पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर चुका हूं कि इसके साथ आपको एक USB केबल और एक XLR केबल भी मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है बिकॉज हार्डली कोई माइक्रोफोन कंपनी साथ में XLR केबल भी देती है। सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इसकी परफॉर्मेंस USB मोड में और XLR मोड में कैसी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग XLR मोड की बात करें तो यहाँ पे मैंने क्लोज माइकिंग कर रखी है, लगभग 1 या 2 फिंगर डिस्टेंस होगा मेरा माइक से। जैसे ही मैं थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाता हूँ, लगभग 1 हैंड डिस्टेंस पे इसको रखता हूँ, तो मेरी आवाज आप लोग सुन सकते हैं कुछ इस तरह की सुनाई दे रही है। और यहीं पे अगर मैं थोड़ी डिस्टेंट माइकिंग प्रेफर करूं, अगर मैं इसको थोड़ा दूर ले जाऊं लगभग 2 हैंड डिस्टेंस पे, तो ये जो माइक है ये कुछ इस तरह की ऑडियो कैप्चर कर रहा है। तो इस बार मैंने इस माइक्रोफोन को USB मोड पे कनेक्ट कर दिया है, तो पिछली बार की तरह सबसे पहले क्लोज माइकिंग की साउंड आप लोग सुन सकते हैं कि ये कैसा साउंड कर। जैसे ही मैं थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, 1 हैंड डिस्टेंस पे आऊंगा, तो मेरी ऑडियो कुछ इस तरह से साउंड कर रही है। एंड यहीं पे अगर हम लोग इसको एकदम दूर ले जाएं, लगभग 2 हैंड डिस्टेंस पे ले जाएं, तो मेरी जो आवाज है वो कुछ इस तरह से कैप्चर कर रहा है ये माइक्रोफोन। सो जैसे कि आप लोगों ने दोनों केसेस में आवाज सुनी, डेफिनेटली XLR में थोड़ी बेटर तो थी, बट आपको फील हो रहा होगा कि एक्सप्लोजिव अभी भी काफी लाउड हैं। मेरी जो आवाज के फ हैं, भ हैं, ये साउंड्स जो हैं, वो ये माइक्रोफोन कैप्चर कर रहा है इन स्पाइट ऑफ दिस पॉप फिल्टर जो ये इन्होंने छोटी सी विंडशील्ड लगाई है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको एक एडिशनल पॉप फिल्टर लगाना पड़ेगा बीच में, जिससे ये जो प्लोसिव साउंड्स आपका माइक कैप्चर कर रहा है ये काफी रिड्यूस हो जाए। सो अब मेन सवाल आता है कि क्या आपको इस माइक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप लोगों का बजट अंडर 10,000 है देन डेफिनेटली मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप इस माइक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि इसके साथ ट्रैवल करने में काफी आसानी होगी और इसके लिए आपको एक एडिशनल साउंड कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहीं पे अगर आप लोगों का बजट 10 से 12,000 है तो आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि थोड़ा सा और सेव करें और एक कंडेंसर माइक के साथ एक ऑडियो इंटरफेस सेपरेटली ले लें। बिकॉज जाहिर सी बात है कि कंडेंसर माइक ज्यादा सेंसिटिव होता है, ज्यादा डेप्थ कैप्चर करता है, और अगर आपके एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा शोर नहीं है। कितने बजे हैं? हेलो या फिर आप ऑड टाइम्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आधी रात को रिकॉर्डिंग करते हैं बिकॉज बाहर शांति होती है, तो उस केस में जो कंडेंसर माइक का आउटपुट है दैट इज अनमैचेबल। तो सिंगर्स के लिए इट्स प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज आई फील कि अगर आप वॉइस ओवर्स में हैं, अगर आप लोग पॉडकास्ट करते हैं, तो ये माइक्रोफोन बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है बिकॉज इस बजट में इस क्वालिटी का USB डायनेमिक माइक्रोफोन आई डोंट थिंक और कोई कंपनी दे रही है इस वक्त। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी और आपके माइंड में जो भी सवाल है उनके जवाब मिल गए होंगे। सो इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। सो तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।